नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी बिहार, भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक। मेरी पार्टी बिहार के राजग गठबंधन डबल इंजन वाली सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से यह मांग करती है, पुरजोर मांग करती है कि किसी भी परिस्थिति में बिहार के पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जिम्मेवारी बिहार के भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में न दी जाए। जैसी कि वर्तमान स्थिति है और उचित भी है कि ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं कराया जाए पंचायत का, लेकिन जो वर्तमान मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति प्रमुख, जिला पार्षद, जो भी नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के वर्तमान चुने हुए लोग हैं, उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए, उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया जाए और 6 महीने के बाद स्थिति का अवलोकन करते हुए यह निर्णय लिया जाए कि चुनाव कराना उचित है या नहीं, और अगर संभव हो तो चुनाव कराया जाए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में इन भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं जानी चाहिए। यह लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या होगी। आप ही के गठबंधन के दो घटक के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी और वर्तमान में माननीय मंत्री आपके मंत्रिमंडल में मुकेश साहनी जी के मांगों का हमारी पार्टी पुरजोर समर्थन करती है। हम उनकी पार्टी का नहीं, उनके विचारों का समर्थन करते हैं और उन्होंने एक उचित मांग की है। उम्मीद है कि नीतीश जी इस पर ध्यान देंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जब तक चुनाव नहीं होता है वो यथावत अपनी स्थिति में बने रहें, अपने पदों पर बने रहें, यही हमारी मांग है। जय भारत, जय हिंद, जय बिहार।